नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दो फिल्मों की, लाल सिंह चड्ढा और बच्चन पांडे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये दोनों फिल्में एक ही दिन रिलीज होने वाली है और आज हम आपको बताने वाले हैं इन दोनों में से पहले दिन कौन सी फिल्म करेगी ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म मारेगी बाजी। मगर दोस्तों उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप अक्षय कुमार और आमिर खान के फैन हैं, इन्हें पसंद करते हैं, इनकी फिल्मों को पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको फिल्म और इंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी जानकारियां मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बच्चन पांडे फिल्म की। दोस्तों बच्चन पांडे एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कि साउथ की सुपरहिट फिल्म वीरम की रिमेक है और बच्चन पांडे के राइटर और डायरेक्टर है फरहाद सामजी। जी हाँ दोस्तों, फरहाद सामजी जो इससे पहले इंटरटेनमेंट, हाउसफुल 3 और हाउसफुल 4 का डायरेक्शन कर चुके हैं और दोस्तों इसके प्रोड्यूसर है साजिद नाडियाडवाला। और अगर बात करें इस फिल्म की स्टार कास्ट की तो इसमें आपको मुख्य किरदारों में नजर आने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार, कृति सनन और नेगेटिव लीड में नजर आने वाले हैं सोनू सूद। जी हाँ दोस्तों, अभी चर्चा चल रही है कि नेगेटिव लीड में सोनू सूद नजर आ सकते हैं। और अगर बात करें इस फिल्म के बजट की तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म का बजट है लगभग 100 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, बच्चन पांडे 100 करोड़ के बड़े बजट की फिल्म है। और अगर बात करें इस फिल्म के स्क्रीन काउंट्स की तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को बहुत बड़े स्क्रीन काउंट्स के साथ रिलीज किया जाएगा और दोस्तों इसे रिलीज किया जाएगा क्रिसमस 2020 पर। जी हाँ दोस्तों, क्रिसमस 2020। और अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों आपको बता दें ये अपने पहले दिन इंडिया नेट पर कमा सकती है लगभग 35 करोड़ रुपए, इंडिया ग्रॉस पर कमा सकती है लगभग 40 करोड़ रुपए, ओवरसीज से कमा सकती है लगभग 5 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इसके पहले दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बता दें ये अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड पर टोटल कमाई कर सकती है लगभग 45 करोड़ रुपए। जी दोस्तों, अपने पहले ही दिन लगभग 45 करोड़ रुपए। दोस्तों लाल सिंह चड्ढा आमिर खान स्टारर फिल्म है और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आमिर खान बहुत कम फिल्में करते हैं और बहुत अलग तरह की फिल्में करते हैं और लाल सिंह चड्ढा भी बिल्कुल उसी तरह की अलग तरह की फिल्म है, अलग कंटेंट वाली फिल्म है। दोस्तों आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड की चर्चित फिल्म फॉरेस्ट गम की एडॉप्टेशन है। जी हाँ दोस्तों, और फॉरेस्ट गम ऑस्कर विनर फिल्म है और दोस्तों इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाल सिंह चड्ढा कैसी फिल्म होने वाली है। दोस्तों आमिर खान ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है जैसा कि वो अपनी हर फिल्म के लिए करते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि आमिर खान इस फिल्म की तैयारी लगभग पिछले 7-8 सालों से कर रहे हैं और लगभग 6 महीनों तक उन्होंने अपनी फिजिक और लुक्स पर ही काम किया है इस कैरेक्टर के लिए। दोस्तों आमिर खान पूरी तरह से अपने किरदार में नजर आ रहे हैं और आमिर खान अपने किरदारों को बहुत ही उम्दा तरीके से निभाते हैं। और आपको बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्टर है अद्वैत चंदन। जी हाँ दोस्तों, अद्वैत चंदन। और इस फिल्म को आमिर खान प्रोडक्शन और वायकॉम 18 प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका IQ लेवल कम होता है और उसे कोई भी कुछ करने के लिए कहता है तो वो कर देता है। और अगर बात करें इस फिल्म की स्टार कास्ट की तो इसमें आपको मुख्य किरदारों में नजर आने वाले हैं आमिर खान, करीना कपूर, विजय सेतुपति, योगी बाबू, मोना सिंह और शर्मन जोशी जैसे एक्टर्स। और अगर बात करें इस फिल्म के बजट की तो दोस्तों आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा एक बड़े बजट की फिल्म है। इस फिल्म का बजट है लगभग 160 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 160 करोड़। और दोस्तों आपको बता दें कि इसे बहुत बड़े स्क्रीन काउंट्स के साथ रिलीज किया जाएगा और इसे रिलीज किया जाएगा क्रिसमस 2020 पर और इसे 3 भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, हिंदी, तमिल और तेलुगु। और दोस्तों अगर बात करें इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की तो दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही दमदार कमाई करने वाली है। दोस्तों ये पहले दिन इंडिया नेट पर कमाएगी लगभग 50 करोड़ रुपए, इंडिया ग्रॉस पर कमाएगी लगभग 55 करोड़ रुपए, ओवरसीज से कमाएगी लगभग 5 करोड़ रुपए। और अगर बात करें इसके पहले दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो दोस्तों आपको बता दें ये पहले दिन वर्ल्ड वाइड पर टोटल कमाई कर सकती है लगभग 60 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 60 करोड़। और दोस्तों अगर बात करें इन दोनों में से कौन सी फिल्म पहले दिन करेगी ज्यादा कमाई और कौन सी फिल्म मारेगी बाजी, तो दोस्तों आपको बता दें कि पहले दिन तो लाल सिंह चड्ढा ही ज्यादा कमाई करती हुई नजर आ रही है, बाजी मारती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सी फिल्म करेगी पहले दिन ज्यादा कमाई, कौन सी फिल्म मारेगी बाजी, इन दोनों में से कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार, आमिर खान या अक्षय कुमार, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप इन दोनों में से
कौन सी फिल्म देखने चाहेंगे, बच्चन पांडे या लाल सिंह चड्ढा? कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर करें।